You were amazing. Thank you. You were terrific. Good. क्यों? बड़ा पक गया ना? तुम मुझे ये सब रोहित ये तो शुरुआत है आगे आगे देखो होता है क्या रोहित ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है फट जाए ना तो हवा निकल जाती है देखते हैं किसकी हवा निकलती है मैच हो जाए बहुत जोश में हूँ वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा बच्चू अच्छा तो हो जाए बेट क्या है हीरो कप के साथ साथ जो मैच जीतेगा निशा उसे किस करेगी ऑलराइट ऑलराइट निशा प्लीज यू नीड टू किस मी हम दोनों के बीच में बास्केटबॉल का मैच है और जो जीतेगा उसे तुम किस करोगी व्हाट मैं राज को कभी किस नहीं करूंगी मुझे तो करोगी तुम जीतोगे तब ना बगैर टीम के मैच लगाया है मुसीबत को बुलाया है अब तू हारेगा राज तुझे मारेगा टन टना क्यों तुम लोग हो ना मेरी टीम हम लोग वो सब इतने लंबे लंबे और हम लोग इतने छोटे छोटे हम लोग तो ठीक से जंप भी नहीं लगा सकते ये दे आज का ये मैच बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मैच है क्योंकि लास्ट टाइम के हीरो होना कप के विजेता कसौली टाइगर्स को चैलेंज किया है रोहित मेहरा और उसकी टीम ने और इस टीम का नाम है पांडवाज प्लीज वेलकम पांडवाज लेडीज एंड जेंटलमैन मैं ये क्या देख रहा हूँ ये पांडवाज की टीम है कि पांडवाज के बच्चे हैं जादू हिलना मत रेफरी की सिटी के साथ ही मैच शुरू मैं देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया गया है राज सक्सेना ने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए बॉल को नए खिलाड़ी की तरफ उछाल दिया है खिलाड़ी पीछे गए खिलाड़ी ने पास दिया ड्रिबल करते हुए हाफ लाइन की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं और एक और पास और इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि बॉल को उछाल दिया राज सक्सेना की तरफ राज सक्सेना आगे बढ़ रहे हैं लेकिन भाई और बहनों मैं क्या देख रहा हूं रोहित मेहरा ने बॉल को राज सक्सेना के हाथ से छीन लिया टांगों के बीच में से बॉल को निकालते हुए ड्रिबल कर रहे हैं डी की तरफ बढ़े और ये उछले और ये बास्केट रेफरी की सीटी के साथ ही एक बार फिर से मैच शुरू मैं देख रहा हूं बॉल मोंटी ने राज सक्सेना को दिया और ये बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं पास दिया लेकिन ये बीच में ही उछल कर रोहित मेहरा ने बॉल को छीन लिया और ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं फिर से वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है दोस्तों और ये उछले रोहित मेहरा और ये स्कोर बोर्ड और आगे बढ़ा एक बार फिर से शुरू बॉल को सॉलिड टाइगर्स के हाथ में एक दूसरे को पास देते हुए बॉल उछली राज सक्सेना के हाथ में और ये रोहित मेहरा ने बीच में बॉल को उछाल दिया मैंने से खिलाड़ी की तरफ बॉल एक बार फिर से सॉलिड टाइगर्स और ये छीन ली रोहित मेहरा ने बॉल भाई और बहनों बहुत एक्साइटमेंट बढ़ गई है एक बार आगे बढ़ रहे हैं और ये उछली और ये तीसरा बास्केट कम ऑन गाइस सब लोग रोहित को घेरो अंडरस्टैंड ओके गिव मी फाइव यस रेफरी की सीटी और ये मैच एक बार फिर से शुरू बॉल कसौली टाइगर्स के हाथ में और मैं क्या देख रहा हूँ कसौली टाइगर्स के कुछ खिलाड़ी रोहित मेहरा को घेर लिया उनसे कुछ किया नहीं जा रहा और ये उछले राज सक्सेना और छोटे से खिलाड़ी के ऊपर से उछलते हुए डी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बास्केट पहला स्कोर है कसौली टाइगर्स का और कसौली टाइगर्स के सपोर्टर्स बहुत ही खुश नन्हे नन्हे बच्चों ने एक बार फिर से मैच को शुरू किया एक दूसरे को पास देते हुए लेकिन रोहित मेहरा अभी तक घेरे उनसे कुछ किया नहीं जा रहा और नन्हे नन्हे बच्चों का बस नहीं चल रहा कसौली टाइगर्स आगे बढ़े और ये राज सक्सेना ने उछल कर एक और बास्केट राज सक्सेना उसकी टीम बहुत खुश बच्चे बहुत उदास रोहित मेहरा अभी तक घिरे हुए कसौली टाइगर्स के बीच में और ये राज सक्सेना बॉल को लेकर आगे बढ़े रोहित मेहरा ने आगे बढ़ने का प्रयास किया और ये मैं क्या देख रहा हूँ रोहित मेहरा गिर गए भाई बहनों गिर गए गिरा दिए गए लेकिन इसका फायदा उठाते हुए राज सक्सेना आगे बढ़े और एक और बास्केट रेफरी के पास पहुंच गए वो चाहते हैं कि इसे फाउल करार दिया जाए लेकिन रेफरी उनकी बात से सहमत दिखाई नहीं दे रहे खैर भाई और बहनों स्कोर 6-6 की बराबरी
मैच एक बार फिर से शुरू। नन्ना सा खिलाड़ी उछल रहा है और नन्हे से खिलाड़ी ने बॉल को उछाल दिया रोहित मेहरा के हाथ में। ड्रिबल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से रोहित मेहरा ने बॉल को उछाल दिया नन्हे से खिलाड़ी की तरफ। वो उछल रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं कि लंबे लंबे कसौली टाइगर के सामने उस नन्हे से खिलाड़ी का बस नहीं चल रहा और ये कसौली टाइगर आगे बढ़े और उछल कर ये गोल। ये क्या हो रहा है, तुम लोग उड़ क्यों नहीं रहे हो? हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर उड़ नहीं पा रहे। मैच अचानक तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। कसौली टाइगर्स का आक्रमण लगातार तीव्र होता हुआ। राज सक्सेना एक बार फिर से आगे बढ़े और ये एक और बास्केट। स्कोर बोर्ड लगातार आगे बढ़ता हुआ, बास्केट पे बास्केट होती चली जा रही है और ये एक और बास्केट। भाई और बहनों ऐसा लग रहा है जैसे राज सक्सेना और उसके साथी बच्चों के साथ खिलवाड़ सा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे उछल उछल कर बॉल पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये खड़े खड़े राज सक्सेना ने एक और बास्केट डाल दी। ऐसा लग रहा है जैसे ये मैच ना हो कसौली टाइगर ने शायद पांडवास को अपनी प्रैक्टिस के लिए बुलाया हो। और ये और बास्केट, एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुका है कसौली टाइगर्स के सपोर्टर्स में। और मैं देख रहा हूं कि रेफरी की विसल के साथ हाफ टाइम। जादू जादू ये क्या हो रहा है जादू, हम ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रहे? धूप जादू की शक्ति धूप से, जब तक सूरज की किरणें उस पर ना पड़े वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब धूप ना हो तो जादू कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या करें? हे किशन भगवान, आज अपनी बंसी बजा दे। और मैच रेफरी की इस विसल के साथ ही एक बार फिर से हीरो कप मैच के सेकंड हाफ का ये खेल। बॉल उछाल दी गई है, बॉल एक बार फिर से कसौली टाइगर्स के हाथ में। कसौली टाइगर्स के खिलाड़ी ने दूसरे को पास दिया, आगे बढ़ते हुए बॉल एक बार फिर से राज सक्सेना के हाथ में और ये आगे बढ़े और ये बॉल किट होते होते बच गई दोस्तों। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है भाइयों, बहुत अचंभा सा हो रहा है और देखने वाले भी बहुत अचंभित से दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से शुरू, बॉल कसौली टाइगर्स के हाथ में। राज सक्सेना बॉल लेकर आगे बढ़ रही है, राज सक्सेना ने पास दिया और ये तीन तीन नन्हे खिलाड़ी हवा में उछले बॉल को पकड़ कर हवा में उछाला और ये रोहित मेहरा हवा में खुद उछले और ये बॉल को डाला बास्केट में। जो बोले सोनियाल सोनियाल अक्सर उल्लास का वातावरण बन चुकी है। एक बार फिर से शुरू, कसौली टाइगर्स आगे बढ़ रहे हैं, बॉल को एक दूसरे को पास देते हुए घेरते हुए आगे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मुझे इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए बहुत ज्यादा नीचे नहीं देखना पड़ रहा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। भाई और बहनों तो आगे गिर रहे हैं और बच्चे हैं कि हवा से नीचे नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा ये मैच में रोड हो रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, नन्हे नन्हे बच्चे लंबे लंबे बच्चों की खिंचाई कर रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, ये मैच का रुख किस तरह से बदलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। भाई और बहनों बहुत एक्साइटिंग मैच होता चला जा रहा है। मुझे लगता है ये नन्हे नन्हे बच्चे कसौली टाइगर को हरा हरा के नहीं बल्कि थका थका के मारेंगे। राज सक्सेना थक गए और बच्चों ने हंस के एक और बच्चे कहे कि बहनों भाइयों ये तो सबके बाप निकले। मैं देख रहा हूँ लगातार बास्केट में बास्केट होती चली जा रही है और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ आखिरी 25 सेकंड का ये मैच बाकी बचा है और स्कोर है पांडवास 48 पर कसौली टाइगर 49 पर। अब देखना यह है कि आज ये हीरो कप कौन सी टीम जीत कर यहां से जाती है। एक बार फिर से मैच शुरू, बॉल कसौली टाइगर्स के हाथ में, बॉल पर पकड़ मजबूत, संभल संभल के एक दूसरे को पास दे रहे हैं, कुछ डरे डरे दिखाई दे रहे हैं लेकिन बॉल को छोड़ नहीं रहे और ये बॉल राज सक्सेना के हाथ में। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने ये बॉल को बास्केट की तरफ उछाल दिया लेकिन खाते हुए बास्केट में खड़े हो गए और
और अब मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ ये कसौली टाइगर्स गर्दन झुका के खड़े हैं और छोटे छोटे पांडवाज सर उठा के हीरो कप लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू रोहित मेहरा को ये हीरो कप दिया जा रहा है। जोरदार तालियां पांडवों के हीरो कप के साथ मेरे भाइयों एक और इनाम भी जीता है हीरो होंडा मोटरबाइक। रोहित की सभी नहीं अभी एक और जीत बाकी हीरो को होंडा लाओ लेट्स गो। I can't believe this. ये साले बच्चे उन्हें कैसे लग गए? कुछ चक्कर तो जरूर है। इन बच्चों से पता करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो अरबंस? ठीक ही कह रहा हूँ। यारी दोस्ती में बदनाम हो गया है मेरा बेटा। He is becoming laughing stock for everybody. और ये सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मैं समझता हूँ अरबंस। मैंने निशा को बहुत समझाया लेकिन What do you mean है? तुम्हारा मतलब है कि अगर निशा रोहित से शादी करना चाहेगी ये जानते हुए भी कि रोहित पागल है तुम अपनी बेटी का हाथ उस पागल के हाथ में दे दोगे? सिर्फ पागल बोलने से काम नहीं चलेगा अंकल, क्योंकि पागल बोलने से ये पता नहीं चलता कि पागल किस किस्म का पागल है और उसका पागलपन जो है वो पागलपन की कौन सी कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन है, मेगलोमेनिया पागलपन है, ऑब्सेशन पागलपन है, साइकोपैथी पागलपन है, मेंटल इंबैलेंस पागलपन है और पागलपन भी पागलपन है। और पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती। मैड क्रेजी इनसेन भी पागलों के नाम है और क्रैक को गुड्डे में डीरेंज भी पागल है। कुछ पागल ऐसे होते जिनका पागलपन दुनिया को लगता है कि पागलपन है लेकिन वो पागल नहीं होते और कुछ पागल वो होते जो सचमुच पागल होते हैं लेकिन उनका पागलपन दिखाई नहीं देता। इन शॉर्ट दिस इज स्मॉल समरी ऑन पागलपन। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? प्लीज सिट डाउन सिट डाउन प्लीज प्लीज। आंटी आई लव बॉम्बीटा थैंक यू। यस हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पागलपन की बहुत सी किस्में हैं। नर्वस होके पाव हिलाना भी एक किस्म का पागलपन है। और आप लोग कहते कि मैं पागल हूं। यस आई एम मैड क्योंकि मैं आपकी बेटी के प्यार में पागल हूं। आई एम मैडली इन लव विद निशा। आई लव आंखों का काजल बिखेरा है तूने तूने ही मुझको यूं पागल किया या मैंने सब जो तूने था चाहा चाहत बिना कहीं लगे ना जिया ओ नफरत क्यों करने लगे हो यूं मुझसे नफरत क्यों करने लगे हो यूं मुझसे मैंने क्या तेरा बिगाड़ा सनम मैंने क्या तेरा बिगाड़ा सनम ओ तुझे तो नशा है गैरों से यारा मुझे तो नशा है तुम्हारा सनम ओ तुझे तो नशा है गैरों से यारा मुझे तो नशा है तुम्हारा सनम आंखों का काजल बिखेरा है तूने तूने ही मुझको यूं पागल किया पिया मैंने सब जो तूने था चाहा चाहत बिना कहीं लगे ना जिया ओ नफरत क्यों करने लगे हो यूं मुझसे नफरत क्यों करने लगे हो यूं मुझसे मैंने क्या तेरा बिगाड़ा सनम मैंने क्या तेरा बिगाड़ा सनम ओ तुझे तो नशा